का मेरे कल्पना एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का संस्कृत रुचिरा प्रथम पाठ, सुभाषितानी उसका सेकंड पार्ट वो पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में सुभाषितानी के जो 3 श्लोक है वो उसका एक्सप्लेन किया है और ये पार्ट 2 है। तो चलो अब हम पढ़ेंगे चौथा श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्म धुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्ज दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। तो इसका अब हम अन्वय समझेंगे। असो मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वच श्रुत्वा मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। हमने इसका अब अन्वय देखा, अब देखेंगे इसका सरल अर्थ क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। इसमें ऐसा दिया है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासो। जिस प्रकार मधुमक्षी मीठा हो या कड़वा हो वो सभी प्रकार के रस पीकर सिर्फ मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से संतस्तैव समसज्ज दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दुर्जन लोगों की बात समझकर सुनकर उसमें से सुक्ति रूप रस का, मतलब उससे वो अगर किसी दुर्जन व्यक्ति से भी उसने कुछ सुन लिया तो वो उसका सृजन करते हैं, वो सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। तो इस श्लोक में हमें बताया गया है, इसका भाव है कि जो संत लोग होते हैं, सज्जन और दुर्जन, उसमें वो भेदभाव नहीं करते, वो दोनों की बात सुन लेते हैं और अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मधुमक्खी का उदाहरण देकर हमें बताया है कि मधुमक्खी जो है वो मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। हमें भी ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए, ये सीख हमें इसमें से मिलती है। अब देखेंगे उसके आगे का श्लोक। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसः। तो अब इसका हम अन्वय देखेंगे कि यो हि पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। अब इसका हम अर्थ जानेंगे कि जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वारा पर बने हुए नकली सिंह शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो पुरुषार्थ छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारे लेकर जीना जीते हैं, उनके सिर पर क्या है, वो जैसे नकली सिंह होता है, शेर होता है, उसी तरह से उनके सिर पर कौवे बैठे हैं। इसमें से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता रहता है। हमें हमारा जो हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छी तरह से शालीनता से करना चाहिए, यह सीख हमें इस श्लोक से मिली है। अब देखेंगे अगला श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभि धन्या मही रुहा ऐशा विमुखम यान्ति नार्थिन। तो इसका अन्वय समझेंगे। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभि मही रुहा धन्या भवन्ति ऐशाम अर्थिन विमुखान यान्ति। तो इसमें हमें ये अर्थ ये समझता है कि फूल पत्ते फल जाया छाया जो होती है, जड़ छाल ये जो होते हैं और लकड़ियों के कारण
वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी विमुख निराश नहीं होते हैं। तो हमें इस श्लोक से यह सीख मिलती है, इसमें यह भाव है कि वृक्ष सदैव क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हम हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों को सेवा करना चाहिए। तो यह हमें वृक्षों का जो परोपकार है वो हमें इस श्लोक से सीख मिलती है। अब देखेंगे अगला श्लोक। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे। अन्वय देखेंगे। ही विपदाम आदो एव प्रतिक्रिया चिंतनीया वहीना गृहे प्रदीप्ते कुपर वननम न युक्तम। इसका सरल अर्थ है, निश्चय से जो विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत ना बन जाए, इसी से मनुष्य की भलाई है। समस्या आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है। हमें कौन से भी जो कार्य होते हैं वो अपने सभी वक्त पर करने चाहिए। जब वक्त आता है उस पे जब मुसीबत खड़ी होती है तो वक्त उस टाइम तक वक्त निकल जाता है, वो हमारे लिए रुकता नहीं है। यह सीख हमें इस श्लोक से मिलती है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये आपका जो वीडियो है वो मैंने जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर उसमें कुछ समझने में कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।